हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता वर्मा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। टुडे आई विल बी टेकिंग द क्लास फॉर BBA थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक्स। द टॉपिक्स दैट आई विल बी कवरिंग फॉर टुडे आर डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन, द मीनिंग एंड वॉट Do you know about management accounting? What is it? The second topic that I will be covering for today is management accounting versus financial accounting. That is, what is the difference between the branch of management accounting and the branch of financial accounting? The third topic for today is management process and its relation with the accounting, that is management accounting, in which we will be studying about how the management account or accounting or managerial accounting helps in the management process. So let's move on to the next slide, that is the meaning or definition of the management accounting. Management accounting is known as managerial accounting and can be defined as a process of providing financial information and resources to the managers in decision making. यहाँ हम definition से जान पा रहे हैं कि ये एक process है। कैसा process? जो कि financial information और resources को managers को provide करता है with the purpose so that they can take the decisions, they can make planning for the organization. तो हमें इस definition से ये समझ में आ रहा है कि management accounting जो है उसके दो तीन main features हैं। पहली बात, financial information या resources को managers को provide करना, financial information and to provide it to the managers, that is internal parties or management of the organization. And third is to help or enhance the decision making process. So let's study more about it. Management accounting is only used by the internal team of the organization. ये बाहर की parties को ही नहीं use करनी। इसे हम करते ही इस purpose से हैं क्योंकि हमारा management जो है वो ये information, इसके द्वारा जो information मिल रही, जो data मिल रहा, जो reporting मिल रही है, उन सब चीज़ों को यूज़ करके फर्दर प्लानिंग और फर्दर डिसीजंस ले सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा बीबी थर्ड के बच्चों ने, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम होता है मैनेजमेंट एज वेल एज आउटसाइड पार्टीज को फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना। बट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ इसी बेसिस पे डिफर करती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि फाइनेंशियल आउटसाइड और इंटरनल पार्टीज दोनों को इन्वॉल्व करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो इंटरनल टीम या मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है। आउटसाइड पार्टीज से ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इन दिस प्रोसेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट सच एज इनवॉइस, फाइनेंशियल बैलेंस स्टेटमेंट इज शेयर्ड बाय फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं फाइनेंस को, विद द मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी एंड विद द एम so that they can help the management in taking the proper decisions and planning for the company or organization. The objective of management accounting is to use this statistical data. ये statistical data use करना क्यों, and take a better and accurate decision. ऑब्वियसली बात है, हमारे पास फाइनेंशियल नेचर में या नॉन फाइनेंशियल भी है तो भी डेटा हमारे पास सामने प्रेजेंट है, हम उसका यूज़ करते हैं। और जब आप डेटा जो है, हमें डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी की पोजीशन या कंपनी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके फिर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं
वो एक्यूरेट होते हैं. प्रॉब्लम जो होती है वहीं हम सोल्यूशन ले पाते हैं. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और है, हमने अंदाज़ा लगाया और हमने कुछ भी कर दिया. नहीं, यहाँ पे हम डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट. फर्दर जब आप एक्यूरेट डिसीजन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एंटरप्राइज को कंट्रोल कर पाओगे, उसके रिजल्ट्स को अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर पाओगे और बिजनेस एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रख पाओगे. जो आपको काम करना है वही आप काम कर पाओगे. ऐसा नहीं कि हमने कुछ और ऑब्जेक्टिव तय किया था और हम कहीं और पहुंच रहे हैं. नहीं, जो हमने तय किया, जो स्टैंडर्ड हमने बनाए, हम वहीं तक पहुंचेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट सेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स यानी जिनका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइड पार्टीज को मकसद इंफॉर्मेशन पहुंचाने के मकसद से की जाती है. ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिनको डिसीजन लेना है फाइनेंशियल डेटा को देख के कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या इस कंपनी के लिए कैसा कस्टमर है तो वो प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करे या ना करे, शेयर्स परचेज करे, क्रेडिटर से आपको लेंड करे या ना करे, वो फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे देख के करते हैं. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड बिजनेस एक्टिविटीज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बाहर की पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है. इसका यूज़ कौन करता है? इंटरनल मैनेजमेंट, जो आपकी अपनी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग. इसका मेन पर्पस यही होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव वे में रन कर सकें. जो आप प्लान्स बना रही हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कैसे हमें काम करना है, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, वो सब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही बनाते हैं. तो इसका मेन एम यही होता है कि जो डेटा है फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल भी है लेकिन आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस में अफेक्ट करेगा, तो उन सब इंफॉर्मेशंस को इंटरनल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना. सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कैसा ट्रांजेक्शन है, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, रेलिवेंट है या नहीं है. देन मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, मनी की वैल्यू के फॉर्म में उसको मेजर करना. देन एनालाइजिंग, अब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे इसका क्या रिजल्ट हमारे उस पर आ रहा है. देन इंटरप्रेटिंग, एनालाइज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, देन इंटरप्रेट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे हमें क्या मीनिंग निकला, उसका क्या मतलब है, वो क्यों हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सब उसमें पढ़ेंगे. एंड देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स. और उसके बाद इतना सब करने के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट निकल के आ रही है, एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है समराइज्ड फॉर्म में, वो हम फर्दर जो है वो कहाँ प्रोसेस कर देते हैं? अपने मैनेजर्स को, अपने इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसको. किस पर्पज से? फॉर द परस्यूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल उन्होंने बनाए हैं, टारगेट सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए प्लान्स बना सके, उसको अचीव करने के लिए डिसीजंस ले सके. ओके, इट वेरीज फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिकॉज द इंटेंडेड पर्पस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग इज टू असिस्ट यूजर्स इंटरनल टू द कंपनी. इंटरनल हमने अभी पढ़ लिया. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा आपको याद रखना है कि हम इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल पार्टीज़ की बात करते हैं. बाहर के जो पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट हो गई, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए यानी आपके क्रेडिटर्स हो गए, इसके अलावा आपके कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स भी, ये सब आउटसाइड पार्टीज़ हैं. ये सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेटा कभी भी इनके साथ शेयर नहीं की जाती. उसका पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करना, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना. सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हमने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, बट ये किस पर्पस से हम पढ़ रहे हैं?
कुछ तो गोल होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा जिसे अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज. हमेशा याद रखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि प्लानिंग होती है, और प्लानिंग आपको हमेशा पता है फॉरवर्ड स्टेप होता है, हम आगे की सोचते हैं. प्लान हम कभी पीछे का नहीं करते, जो गुजर गया उसके लिए प्लान नहीं करते, उसको एनालाइज करते हुए, पिछली चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को एनालाइज करते हुए फ्यूचर के लिए हम डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाते हैं. तो असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज, क्योंकि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस प्लान्स के बारे में पढ़ा, उसकी रिपोर्ट्स देखी, उसका डेटा देखा, उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है वो सब हमने पढ़ा और सब एनालाइज किया, सब कुछ देखा. उसके बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट से हमने ये तय किया कि हमारे लिए क्या क्या अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमें फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग क्या पॉलिसी फॉलो करनी है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका प्लानिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज में बहुत हेल्पफुल होता है. सेकेंड वन इज हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का आपने अभी स्टेज पढ़ी थी, हमने उसी डेफिनेशन में ही स्टेज पढ़ ली कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं. तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके सामने एक डेटा प्रेजेंट करके रख दिया जाए, इतने हज़ार रुपये का ये लॉस ये, तो इससे आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा पाएंगे, इतना इंटरप्रेट कर पाएंगे कि वो लॉस हुआ है. लेकिन जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो तो कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप आप पढ़ते हो इन दोनों का, क्या कॉज है, क्या इसका प्रभाव है, किस कारण से ये लॉस आया और ये कितना हद तक प्रभावित कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, किसे कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव रह सकें, जो स्टैंडर्ड आपने तय किए हैं उनके अकॉर्डिंग रह सकें. तो ये सब इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की आप कहाँ करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. देन द थर्ड वन इज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजिंग. अब जब आपको सब कुछ पता है, एक प्लान वे है आपके पास, आपको पूरा फ्यूचर के डिटेल्स पता है कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है और किस तरीके से अचीव करना है, तो आप परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो सीक्वेंस में कि हमें पहले ये चीज़ अचीव करनी है, ये पर्टिकुलर काम करना है, उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन करना है, ठीक है. और जब हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वो किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगी, ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की भी, आउटपुट भी, और कंपनी के अदर फैक्टर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सकता है. हेल्प्स इन सोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्रॉब्लम्स. स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओके. तो ये हमें कैसे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या प्लान ऑप्ट करना चाहिए, हम किस प्लान के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में चलेंगे. हर एक कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव फ्यूचर का रखती है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती और प्लानिंग में हेल्प करती. तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती, हमें डेटा प्रोवाइड करती, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती कि हमें फ्यूचर में किस डायरेक्शन में मूव करना है, लॉन्ग टर्म में हमें क्या पॉलिसीज ऑप्ट करनी पड़ेंगी. तो ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर करती है कि हमें प्लान ए चूज़ करना है या प्लान टू चूज़ करना, बी चूज़ करना है, हमें किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है लॉन्ग टर्म, ओके. दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन. कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन कैसे बेटा, क्योंकि आपके पास एक प्लान है, प्रिस्क्राइब्ड वे में आपको पहले से ही दे दिया गया है, ठीक है, प्री डिफाइंड है कि आपको ये चीज़ करनी है, इस मेथड के थ्रू करनी है, ये स्टैंडर्ड है आपका, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, सब कुछ आपको डिफाइंड है. तो जब आप काम करते हो तो उसी कोऑर्डिनेटेड वे में करते हो, कोई क्योस नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि अब मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन सा मेथड फॉलो करूँ, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, ओके. दैट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज. जब सब काम अच्छे से हो रहा है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, कोई क्योस नहीं है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि उनकी, क्योंकि उनका टारगेट सेट है कि मुझे ये अचीव करना है, इस तरह से अचीव करना है,
तो एम्प्लॉयज भी काम करने के लिए तत्पर होते हैं। अगर कुछ क्लैरिफाई ना हो, उनको बस पकड़ा दिया गया, किसी दिन कुछ दे दिया गया, किसी दिन कुछ, उनका काम ही डिफाइन नहीं है, उनको क्या अचीव करना है वो सब डिफाइन नहीं है, देन दे वॉन्ट बी मोटिवेटेड इनफ टू डू द वर्क। लेकिन उनको मोटिवेट करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स होने चाहिए, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स तभी होंगे जब सब कुछ प्री प्लान्ड और प्री डिफाइंड होगा। और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, हेल्प करती है, इसके थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करने में हेल्पफुल होती है। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, आप हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा टाइमली इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है। डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको एक्यूरेसी चाहिए होती, कितना एक्यूरेट डेटा हो पाए, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइमलीनेस देखनी पड़ेगी कि जो आप डेटा दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है जब ज़रूरत थी तब नहीं मिला, उसके बाद वो किसी यूज़ का नहीं रह जाएगा। तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जब टाइमली इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जा रही है, ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं लेता है, स्पेसिफाइड पीरियड, ये शॉर्ट टर्म पीरियड में भी किया जाता है, इसलिए जो मैनेजमेंट है इंटरनल आपका ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है जो कंट्रोल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को या प्लान कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहती है, जल्दी जल्दी उसको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहती कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा। तो जब भी इन्फॉर्मेशन टाइमली है तो अगर कोई भी चीज़ अगर फ्लक्चुएट करी नेगेटिवली, पॉजिटिवली फ्लक्चुएट करे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिवली फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे करे, मुझे अगर प्रॉफिट कमाना था 2 लाख पर एनम का, हमारे दिख रहा है अभी से क्वार्टरली में दिख रहा है हमें रिपोर्ट्स में कि वो नहीं अचीव हो पाएगा, तो हम तुरंत की तुरंत अपने प्लान्स और डिसीजंस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। द लास्ट वन इज हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी। हमने जो पिछले प्लान्स और पॉलिसीज बनाए थे वो किस हद तक कारगर या कामयाब रहे हैं, उसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है ये जानने में। कैसे? क्योंकि हम जब दोबारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो पिछले प्लान्स या पॉलिसीज़ का जो रिज़ल्ट होगा उसी फाइनेंशियल डेटा को तो स्टडी करेंगे, और जब उसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने कहाँ पे गलतियाँ की, हमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं, या कोई पॉजिटिव चीज़ आई, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो किस फैक्टर के बेसिस पे आ रहा है, ताकि उस फैक्टर को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तक मैंने डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस किस बेसिस पे होता है अब हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस यूनिट एंड दिस सब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस 100% है कि पूछा ही जाता है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी है एंड बहुत स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। एक बार आप याद कर लोगे तो बहुत इजी है, आपको हमेशा स्कोर कराएगा। सो फर्स्ट डिफरेंस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल डेटा होता है, जो हम एक मैनेजमेंट के सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच में आता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच में होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही डील करती है, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कभी भी नहीं पढ़े जाते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों को रिकॉर्ड करता है, दोनों की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन
वो रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रहे हैं, वो डेटा इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा और आप उठा के ले आए, फिर वो फाइनेंशियल नेचर का भी होगा तो भी किसी काम का नहीं। तो फाइनेंशियल डेटा हो या नॉन फाइनेंशियल डेटा हो, दोनों ही आपके मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल होने चाहिए। इसके बाद यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर बोथ द इंटरनल मैनेजमेंट एंड द कंपनी ऑफ द कंपनी एंड द एक्सटर्नल पार्टीज, वाइल द यूजर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर ओनली द इंटरनल मैनेजमेंट। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उससे जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, समरी मिलती है, उसका यूज़ इंटरनल और आउटसाइड दोनों ही पार्टीज आपकी करती हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के यूज़ के लिए पर्पज से बनाया जाता है और बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको आउटसाइड पार्टीज को पब्लिश करना या शेयर करना अलाउड नहीं होता है। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू बी पब्लिकली रिपोर्टेड, वेयर एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसका भी हमने इससे पहले वाला डिफरेंस पढ़ा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि आप पब्लिक यूज़ के लिए कर रहे हो तो आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये आपका फाइनेंशियल डेटा रहा, कितना कंपनी का लॉस रहा, कितना प्रॉफिट रहा, या क्या सिचुएशन रही फाइनेंशियली, कितनी स्ट्रांग है कंपनी, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी आउटसाइड पार्टीज जो है डिसीजंस लेती हैं, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित होता है, उसके बाहर उसको नहीं शेयर किया जाता, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। उसको पब्लिश करना या पब्लिकली रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हीं को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लेस मिलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपका इन्फॉर्मेशन अफेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को, डिसीजन को, या किसी भी ऑपरेशन को, तो वो फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो डजेंट मैटर, आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, वेयर एज देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने का, पब्लिश करने का एक फॉर्मेट दिया है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी फॉर्मेट में, इसी सेक्शन के अंदर आपको करना है, इसके बाद यही चीज़ रिप्रेजेंट करोगे। नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं, आपको जैसे सूटेबल हो आप वैसे प्रेजेंट करिए। एंड सिक्स्थ वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटीज बिजनेस टू इट्स यूजर्स। इसका मेन एम यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस एंटिटी है वो कैसे काम कर रही है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये सब चीज़ें आपके इसके यूज़र्स को, यूज़र्स में आपकी बहुत पार्टीज आती है, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, एंड देन योर कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, दे ऑल आर कॉल्ड एज द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये सब इसके फाइनेंशियल डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि जान पाए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की। गवर्नमेंट जानना चाहती है ताकि वो टैक्स ले सके सब्सिडी देने के लिए, एंड जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपकी पॉलिसीज़ या किस सिचुएशन में आप चल रहे हो ये जानने के लिए ताकि आपको बीटअप कर सके मार्केट में। आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट की वजह से आपके फाइनेंशियल नेचर को जानना चाहते हैं। देन योर शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। मींस कहने का ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, जिसका मेन एम यही होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमें प्लान्स हमने किए थे, उनमें क्या सुधार करना, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और हमें कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि हम फ्यूचर के प्लान्स बना सकें। नाउ नेक्स्ट वन इज
The financial accounting is mainly done for a specific period. Financial accounting में आपने पढ़ा होगा financial year होता है, 1 year का होता है जिसमें 12 months जो है included होते हैं आपके. 1 April को शुरू होता है एंड 31 March को ख़त्म होता है. एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है कि इसी टाइम पीरियड में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वन एज पर द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट. से क्वार्टरली आप 3 महीने पे कर रहे हो, तिमाही हो गई, छमाही यानी हाफ ईयरली, और आप एनुअली भी कर सकते हो. इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है. अगर आपको ऐसा है कि आप कंफर्टेबल हो, इवन मंथली कर सकते हैं. आपको जैसे जितनी रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को और कॉस्ट बियर कर सकता है मैनेजमेंट उसकी, उस हिसाब से अपना टाइम वो कर लेता है. कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है किसी भी एक्ट में. देन 8th इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ मस्ट फॉर एनी कंपनी फॉर ऑडिटिंग पर्पस. क्योंकि कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया कि हर एक कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट की अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करानी है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करानी है. तो ऑडिटिंग के लिए आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना मस्ट है, सबके लिए कंपलसरी है. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी वॉलेंट्री होती है, उसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको ऑडिट करना ही करना है. आपकी कंपनी के ऊपर प्रेफर करता है कि वो कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है. देन द लास्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड एंड ऑडिटेड बाय स्टैचुरी ऑडिटर्स. जो स्टैचुरी ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए होते हैं, उन्हीं के द्वारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शंस की ऑडिट की जाती है और पब्लिश किया जाता. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना ही ऑडिटिंग की कोई आपको ऑब्लिगेशन है, ना ही उसके पब्लिशिंग के लिए. अगर ऑडिट कराना है तो आपके ऊपर है, आप कराना चाह रहे हो या नहीं कराना चाह रहे हो. अगर करा भी रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं कि एक स्टैचुरी ऑडिटर ही होगा. ऐसा कोई आपका बाउंडेशन नहीं, आपकी प्रेफरेंस पे है कि आप क्या करना चाहते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल बी कवरिंग फॉर दिस इज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड द अकाउंटिंग. इन दिस आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इट्स रिलेशन विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके मैनेजमेंट प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल है, ठीक है. अभी हमने काफ़ी कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे ये कैसे हेल्प करती है. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मैनेजमेंट के बहुत से प्रोसेस होते हैं, ठीक है. मैनेजमेंट प्रोसेस में कई स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. अब वो स्टेजेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती हैं, लेकिन ऐसी कुछ स्टेजेस होती हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होती हैं. दे आर प्लानिंग, परफॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. अब इन 4 stages पे आपका जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कैसे हेल्प करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो हेड्स हैं मैनेजमेंट है उनको कैसे हेल्पफुल होती है. तो 1st इज प्लानिंग. द ओवरराइडिंग गोल ऑफ अ बिजनेस इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस. द गोल स्पेसिफाइज द बिजनेस एंड पॉइंट और आइडियल स्टेट. टू डेवलप स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स मस्ट फॉर्मुलेट अ बिजनेस प्लान, ठीक है. तो आपको पता है प्लानिंग में क्या है, हम प्लान्स डेवलप करते हैं. लेकिन प्लान्स आपके 3 तरह के, स्ट्रैटेजिक जो कि आपके बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के प्लान्स होते हैं. लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, क्या प्लान्स कैरी ऑन करने वाली है, ये सब चीज़ें आपके स्ट्रैटेजिक. नहीं टैक्टिकल, क्या मेथड्स फॉलो करके हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग करना टैक्टिकल प्लानिंग. एंड ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म जो ऑपरेशंस चल रहे हैं 1 by 1 पर ऑपरेशन पर जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लान डिसाइड किए हैं वो आपके ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको एक क्लैरिफाइड डेटा देती है, इंफॉर्मेशन देती है, टाइमली इंफॉर्मेशन देती है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए क्या प्लान करना है. द
देन उसी डेटा को स्टडी करते हुए हमें कौन सा मेथड फॉलो करना, अगर हमने पिछला मेथड कोई फॉलो किया था और वो सक्सेसफुल नहीं रहा जैसा कि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट में पता लगा, तो हम स्विच करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसी डेटा को एनालाइज करते हुए, उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए, जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, समरी मिली हैं, उनको स्टडी करते हुए कि हम लॉन्ग टर्म में कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और कैसे अचीव करेंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने डेटा के थ्रू आपकी प्लानिंग, तीनों ही तरह की प्लानिंग, चाहे वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की हो, टैक्टिकल हो या ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की हो, तीनों में ही मैनेजर्स को हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज परफॉर्मिंग। अब परफॉर्मिंग में आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है, आपको पता है परफॉर्मिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जा रही, परफॉर्म की जा रही, उनसे रिलेटेड है। तो कौन परफॉर्म करता, आपके एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके साथ आपके टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों की ही परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, उनको चेक करना, सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेटा के बेसिस पे किया जाता है। आपको प्री डिफाइंड प्लान आपने बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, हायरिंग ऑफ द पर्सनल और उसकी ट्रेनिंग, आप जो एम्प्लॉयज़ या स्टाफ आप हायर कर रहे हो उसको हायर करने का तरीका, उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, फिर किसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है, वो सब चीज़ें डिसाइड करना आपका परफॉर्मिंग में आता। और ये सब आप किस बेसिस पे कर पाते हो, ये ऑपरेशंस जो आप देखते हो ये किस बेसिस पे कर पाते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जिसमें आपका इंक्लूड होता है हायरिंग एंड ट्रेनिंग पर्सनल, आपको कैसे एम्प्लॉयज़ को अपने हायर करना है, देन उनको ट्रेन कैसे करना है, मैचिंग ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज टू द वर्क दैट मस्ट बी डन, क्या हमारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस क्वालिटी के साथ चाहिए, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, देन टेक्निकल रिसोर्सेज क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, देन परचेजिंग और लीजिंग फैसिलिटीज़, हमें मशीनरी परचेज करनी है, प्लांट्स एंड मशीनरीज को परचेज करना है या लीज करना है, अगर हमें परचेजिंग में वो कॉस्ट इफेक्टिव लग रहा है तो हम परचेज कर लें, अगर हमें लगता नहीं परचेज करने में हमारा ज़्यादा खर्चा है, हमें लीज करने में फ़ायदा, तो हम वो कर सकते हैं, कंपनी जो भी अफोर्ड कर पाए उस अकॉर्डिंग। मेंटेनिंग एंड इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द सेल, हम तीन तरह की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स की, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री, हमें कितना हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टॉक में रखा है, देन वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा काम चल रहा है अभी, ना तो वो फिनिश्ड हुआ है ना ही वो रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड फॉर्म में, देन द आपका जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक कैसा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, देन आइडेंटिफाइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और टास्क दैट मिनिमाइज वेस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी वेस्टेज को कम करती हैं और टास्क को ज़्यादा बेहतर वे में अचीव करने में हेल्प करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाती है, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेटा में, उसकी रिपोर्ट्स में, उसकी समरी में, और वहाँ से आप हेल्प करके वहाँ से आप ये डेटा या इन्फॉर्मेशन निकाल के आप परफॉर्मेंस को अपने चेक कर सकते हो, उस पर ध्यान रख सकते हो, कैसे स्टैंडर्ड हमने तय कर लिया कि हमारा पिछला ये रिकॉर्ड रहा, हमें ये सिचुएशन भी पता, हमें क्या स्टैंडर्ड अचीव करना, जो टारगेट अचीव करना वो स्टैंडर्ड, और हमें उसे कैसे अचीव करना, तीनों ही चीज़ें आपके पास होती तो आप परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हो। देन इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अगेंस्ट में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, जो हमने टारगेट सेट किया था हम वो अचीव कर पाए या नहीं अचीव कर पाए, तो ये परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना किस बेसिस पे करते हो, आप जो डेटा अवेलेबल होता है उससे हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने पिछला रिकॉर्ड देखा है उसमें और आपका जो करेंट हमारा रिकॉर्ड है दोनों रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, ये इवेल्युएट करते हैं, वहाँ चेक करते हैं। देन फोर्थ इज कम्युनिकेटिंग, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड, आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, आप इन्फॉर्मेशन जो कंक्लूड करते हो उसे कम्युनिकेट करना होता है आपका मैनेजमेंट को, तो वही चीज़ यहाँ फंक्शन परफॉर्म होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आप जो फाइनली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हो, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो गई, एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो गई, इंटरनल यूज़ के लिए हो गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फर्दर कम्युनिकेट करते हो टू द रिलेटेड पार्टीज़। सो थैंक यू, दैट्स ऑल, अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे, इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बच्चों आप लोग ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।